चढ़ाई करते करते हम लोग थक चुके हैं। अपने हिसाब से हम लोग फोटो ले लिए। दो चार लड़का हम लोग के साथ है, इतना फालतू थर्ड क्लास है ना कि मतलब बताओ मत। क्या वो फोटो खींच रहा था ना, मेरा भी फोटो आ गया थोड़ा सा। और मैं तो वही देख रही थी। अब मुझे इस पे गुस्सा आ रहा है क्योंकि ये उसके सामने मैं हंस रही थी। थक गया मैं लिटरली। हंस नहीं रहे थे मतलब वो उसका भाषा अजीब था इसलिए हंसी आ गया। हाँ पर्यटक सब आता है यहाँ, गाड़ी लगा रहता है, खाना बनाता है, इधर भी इधर भी अपना मीट चावल बनाए यहाँ पर, मतलब पिकनिक स्पॉट बना लेता है ना सबको। अच्छा चूल्हा ना, ये चूल्हा बनाता है। अगर तो लकड़ी निकल आएगा बना, लकड़ी तो मतलब इजिली यहाँ पे जंगल में तो समझ लेना बिन पैसे की लकड़ी मिल जाती है, मतलब फ्री में गैस मिल जाता है, मतलब बहुत कुछ यहाँ पे मिल जाता है। हाँ बहुत कुछ वेजिटेबल्स भी मिल जाएगा फ्री में यहाँ पे। नेपाल इस तरह क्षेत्र हो गया क्या, खेती वाला? हाँ ये नेपाल का खेत है, ये सारे के सारे नेपाल खेत है। ये तोरी जो फुलाया रहता ना, हाँ तो और मजा फिर आता है। हाँ अभी खेती हुआ है, बट जो भी चीज इन लोगों ने बोया ना वो छोटे छोटे है, बड़ा बड़ा नहीं हुआ है। उधर सरसों का खेत है, सरसों के छोटा छोटा है, सरसों भी बड़ा नहीं हुआ है। भाई साहब भयंकर थके हुए हैं। ये पूरा पहाड़ के ऊपर में घर है लेकिन ना हम लोग, क्योंकि हम लोग इस वक्त पूरे पहाड़ पे है। हर चीज आते तो वाला आता है ना, एक झूला इधर से जाना था ना, उधर नहीं उधर है आगे बहुत दूर है, उतना दूर गए तो हो गया, पीछे थोड़ा हो जाए हम लोग भी आ जाए। ये हम लोग को लेती नहीं है, बड़ी बदमाश है हम। हम वीडियो बनाते हैं नहीं है, पता नहीं है कि हम इसको वहां पर बोले थे ना जहाँ हम दुर्गा स्थान गए थे मंदिर के अंदर वीडियो लेने के लिए, मेरा सिर्फ पीठ पीठ कर ना वीडियो ले ली। और यहाँ पर मंदिर है तो नेपाल या पहाड़ों पे इस तरह की मंदिर होती है ना, पहाड़ों पे इस तरह की मंदिर होती है ना मौसा जी। हाँ बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। अभी हम लोग पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे, उतर रहे चल रहे, मतलब बैंड बजा हुआ है। तुम्हारा बैंड बजा है? कहाँ से कहाँ चढ़ उतर के आ रहे हम लोग पता नहीं, बैंड बजे फिर कल जाना है। हम लोग अभी इस वक्त बोले ना कि घर जाओ, नहीं जा पाएंगे, मौसा जी गाइड करेंगे तभी हम लोग जा पाएंगे। मौसा जी अगर खो खा गए ना रास्ते में हो गया हम लोग का कल्याण है ना। हम लोग मंदिर के काफी नजदीक आ गए। इस किस चीज का मंदिर है मौसा जी? हाँ मंदिर किस चीज का है? राधा कृष्ण का मंदिर है। चलिए एक बार चलते हैं, राधा कृष्ण का मंदिर तो छोड़ा तो जाएगा ही नहीं, दर्शन करना जरूरी बनता है। वीडियो बना दीजिए। हाँ ये सब लॉज है स्टे करने के लिए ना, ये सब सारे सारे यहाँ पे लॉज है जो घूमने आते पर्यटक लोग उन लोग के लिए। कहाँ पे? ओ पहाड़ है वहाँ पे, दूर दिख रहा है आपको पहाड़। हम लोग जा रहे हैं अब राधा कृष्ण के मंदिर में। नेपाल का स्कूल है, यहीं पे उतार देंगे। ये नेपाल का मंदिर है, शक्ति माई स्थान। चलो ठीक है, चप्पल उतार दे क्या? नहीं पहने। मनी जंगल का माता। आप बोले राधा कृष्ण। ये हम लोग पहाड़ के ऊपर में ना मतलब मंदिर है, बल शक्ति माँ के नाम पे है। राधा कृष्ण का मंदिर नहीं है, मौसा जी ने भूल बोल दिया हम लोगों को। राधा कृष्ण का नहीं है, बल शक्ति माँ का है, शेरे वाली माता का। इधर घंटी दिख रहा था मुझे, घंटी बजाते, मुझे घंटी बजाना बहुत पसंद है। आप लोग भी हमारे साथ दर्शन कर लीजिए और आशीर्वाद ले लीजिए माँ का, पहाड़ों वाली माँ। चलो इस पकड़ो, आप सब भी देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए।
बहुत अच्छा लगता है मुझे घंटी बजाना, इसकी साउंड बहुत ही ज्यादा मतलब मेलोडियस लगती है मुझे। ओके हाँ, तो ये हमारा एक मंदिर का भी दर्शन हो गया यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पर भी आकर के। ऐसी होती है पहाड़ों पे और नेपाल मतलब पहाड़ों वाली जगह जो होती है तो इस तरीके की मंदिर होती है, आप सभी को पता है पर फिर भी मैं बता रही हूँ। हम लोग के मंदिर भी दर्शन हो गया, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अब हम लोग घर की तरफ रवाना ले रहे हैं ना। जाएंगे, बहुत थक गए और हम लोग ऊंचाई चढ़ेंगे ना तो मतलब अवस्था ढीला हो जाएगी, क्योंकि सुबह में ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब चली है हम लोग, और तो इतना ज़्यादा कर लेंगे ना तो परसों निकलना है कोलकाता के लिए। ऐसी तबीयत बार बार ख़राब हो जा रही है मेडिसिन पे, मतलब मैं इतना ट्रैवलिंग और चल पा रही हूँ और बस यही सब है। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं तो अभी भी बाकी है थोड़ा बहुत कुछ आपको दिखाएंगे, शॉपिंग बाकी है। अभी पता क्या हुआ, एक जन्म मौजूद है कि वो नहीं बोल रहे, मौसा जी के साथ एक मजाक हो गया तो इधर आ जाओ, दो तीन तो तीन बच्चा जा रहे थे स्कूल का और छोटा छोटा ही था, बड़ा नहीं था। मौसा जी को बोला कि आपका ना पर्स गिर गया पैसे का, नाना दौड़ के चले गए बच्चे लोगों ने भी मजाक कर दिया। मौसा जी के साथ मजाक हो गया पूरा एकदम से अभी और हम लोग फोटो शूट करे थे उस टाइम, हम फोटो शूट में थोड़ा रह गया, हंसते हंसते दम फूल गया हम लोग का। ओ कृष्णा और हीरोइन कैसा लगा तुझे घूम के इधर थोड़ी घूम के? मुझे भी बहुत एडवेंचरस और बहुत ही। सो फाइनली हम लोग एक ढाबा में बैठे हैं, खाएंगे क्या खाएंगे डिसाइडेड नहीं है। मैं क्या खाऊंगी, मीठा में कुछ है क्या, मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है, रस जैसा कुछ है क्या? है रसभरी बनाया है, रसभरी एक ही कर दीजिए, एक रसभरी दीजिए, देखिए कैसा लगता है खाने में स्वाद लेंगे। तो क्या ले रही है, ब्रेड पकौड़ा? एक ब्रेड पकौड़ा एक रसभरी दे दीजिए। तो हम लोग यहाँ से फिर निकल रहे हैं हम लोग। क्या बोले, अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा लेकिन थक ज्यादा गए हम लोग, कहे कि मतलब दी मतलब जाना है ना, फिर जाना है, बहुत थक गए मैं। ये बोला अच्छा रसगुल्ला, अच्छा यहाँ पे रस भरी बोलते रसगुल्ला को मैं समझी कुछ और मिठाई होगा। एक और दे दीजिए भाई, एक रसगुल्ला हल्का, एक रस भरी और दे दीजिए। सो फाइनली अब हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ, जा रहे हैं फिर से पहाड़ चढ़ना है, वहाँ पर उतना दूर चल के जाना है, फिर हम लोग अपना बाइक उठाएंगे और घर की तरफ जाएंगे। आप देख सकते हैं मतलब ढलती सूरज कितना सुंदर लग रहा है। वाह निशा ये मस्ती बहुत मजा किया आज हमने, बहुत ज़्यादा मतलब बता नहीं सकते, जिंदगी की सुकून और जिंदगी की मजा इसी में ही है, इस पानियों में घूमते हुए, झरनों में घूमते हुए, पहाड़ों में घूमते हुए, जंगलों में घूमते हुए। एक तरह से हम ये बता सकते हैं आपको कि हमने सफारी किया है, क्योंकि जंगलों के बीच में हम लोग जा रहे हैं, चप्पल छूट जाएगा ना। बहुत मज़ा आया, हम लोग ने मौसा जी के साथ बहुत इंजॉय किया है बहुत ही ज़्यादा। और इधर एकदम सूरज के साथ, वाओ मतलब मेरे आई होगी तो ऐसा नहीं घूमी होगी। इतना अंधेरा नहीं हुआ था, हम लोग दिन दिन में ही निकल गए थे, इतना मतलब ढलती सूरज नहीं देखे थे हम लोग, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं वीडियो को क्लोज करूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग हर एक मोमेंट जिए जो हम लोग जी रहे, इतना अच्छा वाला एक जो मोमेंट होता है ना, जो इन्जॉय कर रहे आप लोग भी इन्जॉय कर रहे। इधर पहाड़ है और इधर ढलती हुई सूरज है,
और चारों तरफ पहाड़ पहाड़ी पहाड़ है, पहाड़ी पहाड़ है, पहाड़ी पहाड़ है, और इधर पानी, झरनों का पानी। सो बहुत ही आजा थ्रिल एडवेंचरस रहा हम लोग का। चलिए तो फिर हम सोच रहे कि वीडियो यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। निशा आज हम लोग वीडियो को ना ये पे क्लोज कर देते हैं। तो आज का हम लोग का जो ये छोरी का जो टूर था वो ख़त्म होता है और कल हम लोग निकल जाएंगे फिर से नरकटियागंज रीमा के घर। फिर परसों हम लोग का ट्रेन है, ठीक है। मतलब हम लोग को एक दिसंबर को हम लोग का ट्रेन है नरकटियागंज से कोलकाता जाने के लिए। फाइनली अब मेरा जो टूर एंड ट्रैवलिंग जो भी था बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही कुछ सफ़र अच्छा रहा हमारा। हमने बहुत इन्जॉय किया, जो मैं सोची थी कि मुझे इस ब्रेक की बहुत ज़रूरत है, और मुझे वो ब्रेक मिला, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और पर मेरा ट्रैवलिंग अभी भी दिसंबर में बाकी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो भी सरप्राइज़ है। आई डोंट नो वो ट्रैवलिंग का मैं वीडियो बनाऊंगी कि नहीं पता नहीं, बट है मेरा ट्रैवलिंग क्रिसमस के समय पे। ओके, सो फाइनली हम इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। गिरते गिरते बचे है ना, साथ ही बहुत मस्ती किया ना हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा। मैं ये एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि निशा मेरे हर एक जहाँ जहाँ मैं जा रही थी निशा मेरे साथ थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ। इसकी कंपनी मुझे उससे भी ज़्यादा इसकी कंपनी, इसकी हर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड बस यही है जिंदगी, इसी को कहते हैं लाइफ। हाँ। इसी को कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड लाइफ। और जो मैं चाहती थी कि मुझे एक बहुत ही एक ऐसी सुकून भरा, मतलब थोड़ा सा मोमेंट चाहिए, ऐसा ट्रैवलिंग चाहिए कि मुझे बहुत अच्छा तो लगता है। हम लोग जाते हैं इसे करके अपना घर, हम लोग का घर, और वहाँ से काठमांडू जाते तो और मजा आता देखने में। काठमांडू ना, काठमांडू नेक्स्ट टाइम जाएंगे हम लोग। नहीं ऐसे जाते ना तो पूरा जंगल, मेरा घर है उधर काठमांडू में, घर हम लोग का उधर है नेपाल में। हाँ काठमांडू की इधर नदी क्रॉस कर रहे हैं जाने के लिए। बाप रे बाप, ऐसा लग रहा है ना नदी हमें लेके भाग रही है। आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा, पत्थर कितना बड़ा बड़ा है, एकदम क्लीन पानी, क्योंकि वो बहता हुआ पानी है ना, रुकती नहीं है। तो इस वजह से क्या है ना कि मतलब क्लीन, नीट एंड क्लीन है, आप इसको आराम से पी भी सकते हैं, क्योंकि जो बहता हुआ पानी होता है उसको आप एक मिनरल वाटर से भी बहुत अच्छा वाटर होता है। सो मैं आप सोच रही हूँ कि फाइनली बहुत सारी बातें हो गई, कल हम लोग सुबह में जाएंगे मौसी के ईख वाले खेत में, तो वहाँ पर वीडियो बनाएंगे कल सुबह का, तो कल का भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो आप सभी हमारे साथ ऐसे ही बने रहे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ये।